अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ अलीम फ्राम स्किल्स अकेडमी। आज के वीडियो में हम नेटलीफाई को कंपेयर करेंगे वर्डप्रेस के साथ। तो सबसे पहले प्रोज, 8x फास्टर, 10x हायर प्रोडक्टिविटी, और उसके बाद सर्वर ऑफलाइन वगैरह का इशू नहीं बनता, 100% अप टाइम, CDN फ्री फॉर लाइफ टाइम। उसके बाद इसके जो कॉन्स हैं वो ये कि इसका जो कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है वो वर्डप्रेस की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और आपके पास एक अच्छी टेम्पलेट होनी चाहिए अगर आप एक अथॉरिटी वेबसाइट बनाना चाहते हैं। उसके बाद अगर आपकी वेबसाइट बड़ी है तो उसे मैनेज करना काफ़ी मुश्किल होता है। उसके बाद एक न्यू एफिलिएट पोस्ट करनी हो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मैंने तो अपने लिए सॉफ्टवेयर वगैरह क्रिएट किए हैं लेकिन उनसे भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम अपनी एक वेबसाइट है मेरी एफिलिएट की, उसे ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और काफ़ी हम 4-5 लोग हैं और ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसेस है। मतलब पहले उसकी हेडिंग्स कन्वर्ट की, फिर इमेजेस, फिर इस लिहाज से बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। इसकी जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है वो ये कि आप इसमें ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं क्रिएट कर सकते, फॉरम नहीं क्रिएट कर सकते, ये स्टैटिक होती है, और इस तरीके की कोई भी वेबसाइट क्रिएट नहीं की जा सकती। इसमें रजिस्ट्रेशन सिस्टम नहीं बनाया जा सकता। तो पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप सिर्फ इसे एफिलिएट और एडसेंस वेबसाइट्स के लिए यूज़ करें, और इसमें सिक्योरिटी के इश्यूज़ वगैरह भी नहीं है, फ्री फॉर लाइफ टाइम है, CDN है, फास्ट है। इस वजह से इसमें एफिलिएट की जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये कि अगर वेबसाइट जल्दी लोड हो जाए तो फिर यूज़र ज़्यादा चीज़ें बाय करता है। आपको भी पता होगा कि ज़्यादा टाइम लग जाए तो यूज़र ज़्यादातर लीव कर देते हैं। तो सबसे बड़ी वजह एक सेल इंक्रीज़ होने की ये भी है कि वेबसाइट जल्दी लोड हो जाती हैं और यूज़र इस वजह से ज़्यादा चीज़ें परचेज़ करते हैं। उसके बाद इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप देखें स्पीड के लिहाज से तो यही सेम पोस्ट जो है ये नेटलीफाई के ऊपर है और 91 स्कोर है, और वर्डप्रेस के ऊपर 55 है। काफ़ी ज़्यादा लोग समझते हैं कि इसमें सिर्फ स्पीड बेनिफिट्स हैं, स्पीड बेनिफिट्स के अलावा भी अगर आप प्रोग्रामर हैं तो फिर तो आपके पास लिमिटलेस एडवांटेजेस हैं। आप कोई भी चीज़ कस्टम क्रिएट कर सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा तरीक़ों से आप इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इसे प्रैक्टिकली क्रिएट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।